हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों फिर से आप लोगों ने धमाकेदार वीडियो लेके आए। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि ऐसे फिगर्स के अंदर नंबर ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं। आज मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। दोस्तों ऐसे फिगर हर बार एग्जाम में आ जाते हैं और स्टूडेंट को काफी कंफ्यूजन होता है नंबर ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने में। अभी मैं बताने जा रहा हूं, अगर ऐसे स्टार शेप आ जाए और आपको नंबर ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना हो तो क्या करना होगा। सिंपल दोस्तों, आपको यहां पर 1, यहां पर 2, यहां पर 3, 4, 5 और 6, मतलब आपको यहां पर दिखाई दे रहा है कि 6 नंबर ऑफ ट्रायंगल है। लेकिन दोस्तों अगर ध्यान से देखोगे तो देखिए यहां पर एक ट्रायंगल है तो कितना हो गया, 6+1 7 हो गया। और दोस्तों यहां पर एक बड़ा सा ट्रायंगल है तो क्या होगा दोस्तों, टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल दोस्तों 8 होगा। तो यहां पर मैंने 8 लिख दिया, क्लियर हो गया। अब दोस्तों यहां पर जो स्टार है इससे थोड़ा डिफरेंट है, तो अगर ऐसा फिगर आ जाए तो नंबर ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालोगे, आइए आपको बताता हूं। दोस्तों आप यहां पर नंबरिंग करोगे 1, 2, 3, 4 और 5। तो अगर ऐसे फिगर आ जाए दोस्तों तो यहां पर 5 दिया है, आपको सिर्फ क्या करना है, 5 × 2, यहां पर आपका आंसर आ जाएगा कि इस फिगर के अंदर नंबर ऑफ ट्रायंगल दोस्तों 10 होगा। अब यहां पर देखिए अगर ऐसा फिगर आ जाए तो नंबर ऑफ ट्रायंगल कैसे फाइंड करोगे। सिंपल आप नंबर लिखोगे यहां पर 1, 2, 3, 4, 5 और 6, और 6 पे एंड हुआ है तो यहां पर आपको 6 लिखना है, बाजू में आप 1 लिख लीजिए। तो दोस्तों इस फिगर में नंबर ऑफ ट्रायंगल दोस्तों 16 होगा। और ये क्वेश्चन दोस्तों बार बार पूछा जाता है। दोस्तों यहां पर ध्यान कर रखना है आपको, यहां पर देखिए जो लाइन जो है मीडियन है, ये देखिए ये भी मीडियन है, मतलब 3 मीडियन अगर एक पॉइंट पे मिलते हैं तो आपको इस तरह से आंसर निकालना है, क्लियर हो गया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, अगर ये आ गया तो क्या करोगे। यहां पर भी देखिए मीडियन है, वहां पर 3 था, यहां पर 2 मीडियन है, तो क्या करोगे। यहां का रूल थोड़ा डिफरेंट है उससे, यहां पर आपको नंबरिंग करना है 1, 2, 3, 4 लिख दिया मैंने। उसके बाद दोस्तों क्या करना है, 4 × 2 = 8, इसका डबल हो जाएगा, जो यहां पर नंबर लास्ट में होगा उसका डबल हो जाएगा, क्लियर हो गया। अब दोस्तों यहां पर आप नंबर ऑफ ट्रायंगल कैसे फाइंड करोगे, तो यहां पर भी नंबरिंग करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 पे खत्म हुआ है तो क्या करोगे दोस्तों, डबल करोगे। तो यहां पर 8 × 2 करूंगा तो इस फिगर में दोस्तों 16 नंबर ऑफ ट्रायंगल है। अब दोस्तों यहां की बारी है, इसे कैसे फाइंड करोगे। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हर एक फिगर दोस्तों यूनिक फिगर लिया हूं जिससे कम टाइम में आप ज्यादा कुछ सीख पाओ। अब देखिए यहां पर दोस्तों अगर ऐसा आपका ट्रायंगल आ जाए तो क्या करोगे, देखिए ये बेस है ठीक है, यहां पर 1, यहां पर 2, यहां पर 3, इस तरह से नंबर लिख लोगे। फिर दोस्तों 1+2, यहां पर 1+2+3 करोगे तो दोस्तों नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना होगा, 3+2 = 5, 5+1 = 6 होगा। लेकिन दोस्तों यहां पर और एक बेस है, वहां पर भी आपको नंबरिंग करना है, तो आप यहां पर 1 लिखोगे, यहां पर 2 लिखोगे तो 1+2 कितना होगा दोस्तों, 3 होगा। यहां पर 6 पहले आया था, अब यहां पर 3 आया है, इन दोनों को प्लस करोगे तो आपका नंबर ऑफ ट्रायंगल दोस्तों आपका 9 आ जाएगा इस फिगर में। अब दोस्तों यहां की बारी है, यहां पर दोस्तों ऐसे फिगर के क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं तो आपको क्या करना है, इस फिगर के लिए एक फॉर्मूला देता हूं मैं। फॉर्मूला क्या है दोस्तों, 4n − 3, और ये n क्या है, नंबर ऑफ ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल काउंट कर लीजिए। तो देखिए ये बड़ा सा ट्रायंगल बाहर है, फिर दोस्तों यहां पर छोटा ट्रायंगल है एक, और यहां पर एक ट्रायंगल है, टोटल ट्रायंगल कितने हैं, 3 ट्रायंगल है। तो यहां पर दोस्तों 4 × 3 − 3, तो 4 × 3 = 12 होगा, और दोस्तों −3 करेंगे तो दोस्तों मेरा आंसर दोस्तों 9 आ जाएगा, मतलब इस फिगर में नंबर ऑफ ट्रायंगल दोस्तों 9 होगा, क्लियर हो गया। अब दोस्तों ये वाले फिगर में नंबर ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने बोलेंगे तो कैसे फाइंड करोगे। सिंपल दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि यहां पर देखिए बेस है और लाइन देखिए यहां पर 1, 2, 3, 4 लाइन है ठीक है, तो यहां पर 1, यहां पर 2, यहां पर 3, यहां पर 4 लिख लीजिए। फिर दोस्तों यहां पर एक बेस है और यहां पर लाइन है, तो यहां पर काउंट करोगे 1, यहां पर 2, यहां पर 3, यहां पर 4, मतलब देखिए यहां पर दोस्तों यहां पर भी 4 मैच हो गया है, यहां पर भी 4 मैच हो गया। तो इस तरह अगर फिगर दिया जाए तो सिंपल दोस्तों क्या करना है आपको, यहां पर 4 का क्यूब कर लेना है, तो 4 × 4 से कितना होगा दोस्तों, 16 होगा, और 16 × 4 से कितना होगा दोस्तों, 64 होगा। तो आपका इस फिगर में 64 नंबर ऑफ ट्रायंगल होंगे। तो दोस्तों बहुत ही कम टाइम में बहुत कुछ सिखाने की कोशिश की है मैंने। अगर दोस्तों आप डिटेल में आप सीखना चाहते हो तो दोस्तों काउंटिंग फिगर्स में बहुत सी वीडियो बनाए हैं मैंने, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप वहां जाकर आप हर एक चीज सीख सकते हो। या फिर दोस्तों और एक काम
काम कर सकते हो, आप इस वीडियो के स्क्रीन पे, मतलब आप जो वीडियो देख रहे हो तो स्क्रीन पे कहीं पे भी आप टच कीजिए, ऊपर आपको आई बटन मिल जाएगा, उस आई बटन पे क्लिक करके भी वो सारी वीडियो को आप इजीली देख सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि जो भी सिखाया मैंने आपको समझ में आ गया होगा। फिर दोस्तों मिलूंगा आपको एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए, ऐसे ही प्यार देते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखना, अल्लाह हाफिज़।